ही इज लाइंग. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, इफ यू वांट. और मैं रोहित वर्मा, कश्मीरा शाह, हम लोग यहाँ सब सुबह से निशा के साथ है. उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो वो तो आप और पता कर रहे हैं. सर क्या कुछ चार्जेस लगा है उसके ऊपर? उनको जो मारपीट हुई है तो कुछ जख्म हुए, उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइज पर हमें लगाए हुए और एज पर लीगल एक्शन. क्या करना? बिल्कुल ही लो पे पहुंच गए हो कि आप सेपरेट होते होते भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो. सो आई हैड टू एंड आई हैव काविश इन माय लाइफ नाउ. आई हैव सो मच. आई विल टेक द चाइल्ड कस्टडी. आई एम मोर देन हैप्पी. आई डोंट थिंक करण इज इवन इंटरेस्टेड. उसने कभी बोला भी नहीं है. मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे राइट आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन. एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड, a single parent, I will need some basic security for the child. I can't, and uski life ki hum kitna ecosystem kharab karenge. Hamara to jo bhi ho raha hai. Correct? So he said, no, I am too busy. I will leave them, leave him with my grand, with my mummy papa, with his grandparents in Delhi. So I don't know ki, is pe baar mein hamari kabhi debate nahi hui. And also he said ki alimony ka amount aap bahut zyada maang rahe ho. He is earning 1 rupee and you asking for 3 rupees. He is lying. I don't know how else to say this. He is lying. Main aaj aap logon ke samne bol rahi hu. If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. Maine Karan ko ye bhi bola, agar aap nahi bhi pay kar paoge na, I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है. पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं. पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार. निशा, मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में. निशा ने मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब एक फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम. बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. अच्छा विक्की माई ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई. विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सके, करो मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना. ऑल हर फ्रेंड्स हैव ऑफर्ड हर मनी. यस, ऑल हैव कम ऑन हर सपोर्ट. यू कैन एवर आस्क? नेवर. इसने पूछा भी नहीं. इसने अपना सारा सैक्रिफाइसेस कर दिया. एंड सालों से हमें पता है ये कैसे सैक्रिफाइस करी है फाइनेंशियली. इट्स नॉट फेयर गाइस, इट्स नॉट फेयर. एंड रोहित इज आल्सो विटनेस. रोहित यू वांट टू से something? रोहित इज आल्सो विटनेस. इट्स नॉट फेयर. जो गलत है वो गलत है. No crime, yeah. We all are there with you. See, and they all know what the reality is. I hope they do because they are. You know the reality. थोड़ा सा रोहित जी, थोड़ा सा निशा में वेरी वेरी क्लोज. इनफैक्ट मैं निशा को आई थिंक 25 साल से जानता हूँ. थोड़ा सा 25 ईयर से जानता हूँ. और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इनडिफरेंसेस होते हैं. पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है. यू नो सबके बीच में झगड़े होते हैं. करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है. आई यूज़ टू एड्रेस हिम एज फादर. मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता था कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए हैं. मैंने निशा की जर्नी देखी है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूँ कि मेरी फ्रेंड का केस ख़राब हो जाए. पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे. कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है कि नो सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्सेप्टेबल. वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो? वो क्या वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी? कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो. जो बिजनेस इसने भी सेट जो सेट किया है इस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ हम लोग विटनेस थोड़ा सा यहाँ कैमरे के सामने ये निशा
निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्टली आई एम केपेबल इनफ. ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी इवन एट मैकडोनल्ड्स इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब कि मैं अपना चला लूंगी लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. दैट इज द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वॉन्टेड फ्रॉम करण मेहरा कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले. दैट इज इट. And I had also told him, जब तक वो 12th standard तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी. आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी. नो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स. मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू. तो मैंने क्या गलत बोला है? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस. अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योर सेल्फ. दैट इज रोजी रोटी. दैट इज मतलब अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है क्या? कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वॉज रिस्किंग इफ शी हैड टू डू दिस ऑन ओन. उसका सर फट सकता था आधे में, शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट. इट्स शी हैज बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज. आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल. ओके जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके करण निशा का करियर यहाँ था करियर, यू नो करण वाज असिस्टिंग एट अ डिजाइनर जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया. इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना. मैं विटनेस हूँ निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है. इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वॉज गोइंग. पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले. शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बना, उसको करण में अपना प्यार दिखा तो उसने उस टाइम पर अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए. दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज़. आज लड़कियाँ इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. निशा वॉज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर. यशराज वॉन्टेड टू साइन हर but she left her career for him. So that shows the purity of a person, how simple and how what a house maker she is. Isne hamesha Karan papa se bola ki papa bol raha hu, har bola bebo sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents. Main aapke sath jhopde mein bhi reh lungi. Mere paas Nisha ka ek bahut strong conversation hai, main aap logon ke sath share nahi karna chah raha hu. Wo अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह. वो निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन. बस इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज अ क्राइम. नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, नॉट इन, क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है. शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी. एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था. 2007 में मैं उनसे मिली थी, 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया. उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया चांटा और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था. ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन फोर बंगलोज. बट आई थॉट यू नो इट्स ओके. और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज जस्ट वियर्ड. मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती है आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी, हम सब ने ही. दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, दिस इज नॉट कि ये रोज होता है. दिस इज नॉट दैट यू हैव टू कट शॉर्ट, यू हैव टू गो फॉर योर स्टिचेस. या गाइस, सो सो आई हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर, शी हैज टू गेट हर स्टिचेस डन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड do thank you all for coming. Thank you very much. Thank you.